अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे बेमोट टेबलेट के बारे में। यानी बेमोट टेबलेट आप लोग कौन सी बीमारी के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है और इसका सही तरीका इस्तेमाल किया है। बेमोट टेबलेट ये लेबरा फार्मा की है और इसका कंपोजिशन यानी फार्मूला है क्लोमिफेन साइट्रेट, इसका कंपोजिशन है और इसमें आप लोगों को 50 mg मिल सकता है। और अगर हम इसकी प्राइस के हवाले से बात की जाए तो इसका PKR प्राइस है 395 रुपये। ये आप लोगों को हर मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल सकता है और ये शादीशुदा औरतों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यानी शादीशुदा लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, अगर वो फीमेल हो या मेल हो दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन शादीशुदा औरतों के लिए बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, लास्ट तक देखिए, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये बेमोट टेबलेट है और ये क्लोमिफेन साइट्रेट है, इसका कंपोजिशन है क्लोमिफेन साइट्रेट और ये लेबरा फार्मा की है और इसका प्राइस है PKR 395 रुपये और इसमें आप लोगों को 10 कैप्सूल मिल सकता है। तो अगर हम इसकी यूज के हवाले से बात करें तो ये आप लोग शादीशुदा औरतों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बांझपन के लिए आप लोग इसको यूज़ की जाती है। अगर आप लोगों को इनफर्टिलिटी का मसला हो तो आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी वो ख्वातीन जो शादीशुदा है और वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती, यानी उसको प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं आती, वो शादी की बहुत साल हो गए लेकिन उसका प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं आती, लेकिन उसका स्पर्म लेवल भी बराबर है, उसको कोई मसला भी नहीं, लेकिन फिर भी उसको प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं आती, यानी नहीं कंसीव नहीं कर पाती, तो ये आप लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी को मुस्बत बनाती है ये और ये बच्चादानी को तैयार करती है और ये प्रेगनेंसी को मुस्बत बनाती है, प्रेगनेंसी में ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। यानी वो ख्वातीन जो शादीशुदा है और वो प्रेगनेंसी चाहती है, यानी वो ख्वाहिशमंद है लेकिन उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, तो उन लोगों के लिए टेबलेट बहुत ही मुफीद ज़बरदस्त मेडिसिन है। और जिन लोगों को स्पर्म की कमी हो, यानी उसका स्पर्म लेवल कम हो, यानी उसका काउंट बिल्कुल कम हो, तो उनको उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मुफीद मेडिसिन है। ये स्पर्म को बढ़ाती है और आप लोगों को इससे बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिल सकता है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो शादीशुदा औरतें हैं तो वो हमल को चाहते हैं लेकिन उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, तो आप लोग प्रेगनेंसी मुस्बत बनाती हैं इसको, इसकी बदौलत, और बांझपन के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी इनफर्टिलिटी के अगर आप लोगों को ये मसला हो तो आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं और ये बच्चादानी को भी तैयार करती हैं और ये शादीशुदा औरतों के लिए है। तो अगर आप लोगों को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती तो आप लोग इसकी बदौलत प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, तो आप लोग एक गोली सुबह और एक शाम को इसको यूज़ करें। अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात करें तो साइड इफ़ेक्ट आप लोगों को वोमिटिंग, नाजिया और दिल भी ख़राब हो सकता है। अगर आप लोगों को ये अलामत ज़ाहिर हुआ तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। और अगर हम इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन के हवाले से बात करें तो ये आप लोग प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, आप लोग इसको प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और ये असल की जो दूध पिलाती माँ है उनके लिए भी इस्तेमाल की जाती है, अगर उसका मेंसेस यानी इररेगुलर हो तो उसको रेगुलर कर दी है, उसका मेंसेस टाइम पर नहीं आता तो उसको रेगुलर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मुफीद मेडिसिन है, फिर वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो उस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।